नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पारगंती ब्लॉग। दोस्तों आज बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों जैसे आप सब्जेक्ट से आपने समझ लिया हो कि टोटल ये चैप्टर पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी किस तरीके से पैसा कमाता है, वो अमीर हो या गरीब हो। तो दोस्तों इस वीडियो को आप इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आपके दैनिक जीवन के बारे में, आप किस तरीके से आप पैसों को कमाते हैं और उसकी कैसे प्लानिंग करते हैं और उससे आप किस तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में इंक्लूड है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको रॉबर्ट कियोसाकी ने यह बताया है कि प्रोफेशनल लाइफ का व्यक्ति, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, दोनों ही पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और उस पैसे से वो अपने लिए किस तरीके से ज़िंदगी बनाते हैं और कैसे उसे जीते हैं। साथ ही अमीर व्यक्ति उस पैसे को कैसे कमाता है और वो पैसे के बारे में कैसे सोचता है, वो दोनों ही चीज़ें इस वीडियो में बताई गई हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि एक गरीब और मध्यम वर्गीय और एक अमीर व्यक्ति, दोनों के पैसे को लेकर के क्या सोच होती है उसके बारे में उन्होंने सिर्फ दो लाइन में बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया है। आप सुनिएगा, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से नए नए ज्ञानवर्धक जानकारी के वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस देखने और सुनने को मिलते रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। डैडी रॉबर्ट टी कियोसाकी पूछ रहे हैं अपने गरीब डैडी से, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया, बेटे तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिला कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने तीन दोस्तों को ले गया परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे हैं। उसने ऐसा कहा, डैडी ने अविश्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल ऐसा, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। यह 1956 की बात है, तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली क्लास के से छठी क्लास तक इसी स्कूल में भेजते थे। छठी क्लास के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। छठी क्लास के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता क्योंकि इनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरी डैडी ने आखिर अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना कि अपने दिमाग के इस्तेमाल से? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
जिसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। इसके बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अपने सहयोगी की तलाश में जुटते हैं कि हमें अगर पैसा बनाना है तो ऐसे तो मैं बना नहीं सकता, मुझे एक पार्टनर की आवश्यकता होगी। आगे देखें, अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहां तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक ही दो गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे में स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु हमें ऐसा लगता था क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी। मम्मी और डैडी ने हमें ज़रूरत की सभी चीज़ें दी थी, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो इसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चों के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में भी बातें करते रहे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी, लेकिन क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर के हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक आसपास के इलाके में दौड़ भाग करते रहे। हम दरवाजों पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। कुछ ने हमसे पूछा कि हमें टूथपेस्ट ट्यूब क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी। एक भूरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी, हमारे इस्तेमाल के किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तुड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब को देखते देखते वे उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इसे कचरे को साफ कर दो या मैं इसे उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े और उन्हें यह बताया कि जल्दी ही हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब खत्म कर लें। माँ ने हमें एक हफ्ते की मोहलत और दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख करीब आ गई थी। दबाव बढ़ चुका था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दें, दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी ने अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आए और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के दो बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर जगह बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिबाची ग्रिल लाल दहकते कोयले के साथ अधिकतम गर्मी
पर जल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आए। चूंकि हमारे उत्पादन की प्रक्रिया ने मोच पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयले के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा, जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब में नहीं आते थे, ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट चल जाने पर हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वह पिघल कर द्रव रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनों में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ही था, जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उनके बैग को गिरा दिया था और पूरी ज़मीन ऐसी लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे, जिसके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब के ऊपर से छोटे से छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर उठाए हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के साँचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज है। थोड़े हथौड़े से मैंने सीप को तोड़ा, जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ती का एक सिक्का बाहर गिर गया। ये भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग जस्ती के सिक्के डाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा, हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था, हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी भी मुस्कुराया और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट के ट्यूब्स के बक्से थे। साथ सफेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे, जो इस कान से उस कान तक खुलकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे, तो आपका मतलब है कि यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पापा और उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि आप जो बना रहे हो पैसे, ये गैर कानूनी है, आप इसे नहीं बना सकते हैं। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा, हो सकता है कि बच्चे अपनी जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हों। मेरे डैडी उन्हें घूरते रहे। हाँ, यह गैर कानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है, ये मेरे डैडी बोलते हैं। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू किया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक कहते हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम लोगों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। ये शब्द सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, डैडी
कि आप अमीर नहीं हैं, मैंने पूछा, क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला किया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बनना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से यह सवाल पूछो। मेरे डैडी, माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी, मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही हैं, और वह दूसरे तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार बताया कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं होता कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं, डैडी ने जवाब दिया। जिम्मी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं, उनमें और मुझमें ज़्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर के कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग हैं माइक, ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं, और मेरा अंदाज है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के बारे में के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी की से बात किया जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर की श्रृंखला और 3 रेस्तरा थे। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी ही देर से घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनाने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी। यहाँ से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनको यह सबक मिलना स्टार्ट हुआ कि कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा, ये माइक के पिताजी कहते हैं। 1956 की तनख्वाह के हिसाब से भी 10 सेंट प्रति घंटे का वेतन कम था। माइक कल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वह पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का कम समय मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें, माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल देना चाहिए। जब मैं सावरिस लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए थे परंतु उसमें
स्टार्च नहीं किया गया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए जहाँ से पोर्च का रास्ता था, तो वे मुस्कुराए। मैं भी जवाब में शर्मा कर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं, मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं, बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है, वह तुम्हारे आने के पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है, मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा, और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए वह मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे, माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया, मैंने सावधानी पूर्वक और उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी के पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहाँ कुर्सी के पिछले दो पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं, मैंने पूछा माइक से। नहीं, पर हमें जल्दी ही इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए, आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार, माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए कहा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख दिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी से ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे, हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे। हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सिखाना चाहते हो, माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया, हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा क्लासरूम के सैले में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेज़ी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठ कर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो, तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ, मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास समय बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है, अभी ढेर सा काम पड़ा हुआ है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसे कमाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर है, मैंने कहा। मंजूर, माइक ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी, उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हारे हर घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी।
शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेस मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वह एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वह हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है जो अब बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी परंतु वे कड़ी मेहनत में विश्वास करती थी और इसके लिए वह हमें हमेशा काम में जुटाए रखती थी। वह बहुत कड़क मैनेजर थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों को सर पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते थे और फिर उन्हें करीने में जमाते थे। यह कड़ी मेहनत का काम था और बोरियत भरा भी। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरेट्स थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7 से 11 कन्वीनियंस स्टोर्स की शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीज़ें खरीदते हैं। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती थी तो उसके साथ धूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी अभी तक चलती इसीलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेस मार्टिन के पास जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वह हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी। इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। 4th हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिसका मैं इंतजार कर सकूं, परंतु 30 सेंट के कारण मुझे धक्का पहुंचा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो, मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या, मैंने आवेश में पूछा, क्या वे मेरे उगता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ, माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के थे। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे डैडी मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। रेडी शनिवार को इसके बारे में समझाएंगे, माइकल ने कहा। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था। यहां तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे थे और इसे पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगू, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरे तनख्वाह नहीं बढ़ती तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें उस घटिया काम की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने चिल्लाकर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैंने
उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वह मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले ही वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकल कर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं शीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वे फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर रेड्डी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बे नुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर रेड्डी ने अपनी ऑफिस कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरह से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, आप धोखेबाज हैं जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमित रेड्डी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या, मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे, इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं, या तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, अमीर रेड्डी ने धीमी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, इसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे में आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, हमें डैडी ने कहा, अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद मेरी नौकरी छोड़ दी है। तो इस बारे में आपको क्या कहना है, मैंने पूछा। और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके लिए काम किया और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की, मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है, अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे उन्हें तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परंतु जिंदगी में तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती है। और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती है या एक तरह से आपको धक्का देती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी कैसे
बेसिर पैर की बातें कर रहा है। मैंने अपने आप से पूछा, जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले से मैं बंद रखने की जरूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग जो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्कों को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का देते हैं। परंतु वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वो यह नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर रेडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर दिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार अमीर और युवा सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम ये नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बात सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों में से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वह सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीजें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरियत बुढ़े की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी, परंतु सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी के थपेड़ों को सामने घुटने टेक दिए। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की, आपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार मैंने सभी तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे, मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर रेड्डी मुस्कुराया। मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद, मैंने पूछा। मैं अभी भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए भी तैयार था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला के बारे में कभी नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। जो ज्यादातर लोग इसी तरह अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल पैसे के लिए काम करने में बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक यह कभी नहीं समझे आखिर तक यह कभी नहीं ही पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं।
मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसा कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए थे। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा? मैंने पूछा। यही कि आप घटिया हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत मानो, मैं मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं, तो मुझे बदलना होगा। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो, तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादा लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही ना बदलें। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसानियां हैं कि हम खुद को बदल लें। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया, मैंने कहा। अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो, मम्मी डैडी ने अधीरता से कहा। पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया, तो तुमने क्या सीखा? मम्मी डैडी ने मुस्कुराकर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूं, अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हैं ही। खैर इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समस्या मैं हूं, तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते, तो मैं काम छोड़ कर चला जाऊँगा। ठीक कहा, अमी डैडी ने कहा। और ज़्यादा तो लोग यही करते हैं, वे काम छोड़ कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं, जहाँ उन्हें बेहतर मौके की और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिले। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है, मैंने पूछा 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए। अमी डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं, वे यह जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए बन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फंस को घूरता रहा। जब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा, तब मुझे यह एहसास हो गया था कि यह जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे यह बेशकीमती नज़रिया दिया, जो उन्हें अपने कर्मचारी और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे। जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझते वाले थे। यह एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नज़रिया याद दिलाया, जिसे मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो शिक्षा मुझे दी थी शनिवार की उस खुशनुमा सुबह में, उससे बिल्कुल अलग नजरिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए विषय अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके
और यह अच्छी तरह से देख लो कि इसमें बहुत से दूसरे लाभ हों। मेरे अम्मी डैडी यह चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इसे अपने लिए काम करवा सकूं। यह सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अम्मी डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं हुए होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते, तो मैं तुमसे साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है। गुस्सा उस फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती, उन्हें राह दिखाता है उन पर डर। तो क्या इसलिए मैं कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, मैंने पूछा। हाँ, मेरे डैडी ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें इतनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हैं, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए, मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वह अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते हैं, मैंने पूछा। नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं, अम्मी डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो, यहाँ सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई नहीं। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम यह सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता, मैंने पूछा। नहीं, अमीर रेड्डी ने कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज़्यादा आसान है, खासकर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया, मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादातर लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपने बिलों का भुगतान ना कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिए जाएगा इस बात का डर, पर्याप्त पैसा ना होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर, या किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना या बिल्कुल अलग विषय है, मैंने पूछा। बिल्कुल, अमी डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला लिया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में कभी नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार, अमीर रेड्डी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकाल कर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है, मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे भी सिखाया है, अमीर रेड्डी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें इस बात का पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीनों को 50 सालों से गुणा कर लो और तुम्हारे इस बात का अंदाज हो जाएगा कि ज़्यादातर लोग
गो की जिंदगी किस तरह गुजरती है, मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा, जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था, एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए? भयानक, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का मतलब यही होता है, अमित डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लग रहा था जब मिसेस मार्टिन ने तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि यह काफी नहीं है, मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है, मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उनसे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें तो पूरी तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैं हैरान था। नहीं, अमित डैडी ने कहा, सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है, मैंने पूछा। टैक्स, अमित डैडी ने कहा, जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं, करने देते हैं, अमित डैडी ने मुस्कुराकर कहा। परंतु गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूं कि मैं तुम्हारे डैडी से ज्यादा कमाता हूं, परंतु वे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं। ये कैसे संभव है, मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अमित डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते हैं कि मैं सुनूं, ना कि उनसे फालतू के सवाल करूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते हैं, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमित डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार हैं, उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरे धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह से यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं उससे भी ज्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपने बेस चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है, मैंने विचलित होकर पूछा। देखो, अमित डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, टैक्स तो शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज तो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अभी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती है। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की कमी कीमत यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या कभी नहीं आती। तो तुम में अब भी सीखने की जानने की जिज्ञासा है, अमित डैडी ने पूछा। मैंने हामी में सिर हिलाया। अच्छा, अमित डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या, मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना, मैं तनख्वाह बंद
तुमने सही सुना, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वह पहले से ही काम कर रहा है, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने में जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाओ, काम में जुट जाओ। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया, आपको कुछ ना कुछ तनख्वाह तो देनी ही चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो, अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से ना निकाल दूं। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसे से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट में अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा, अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्द ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहां यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे इतना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो, अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक: अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे। मुफ्त में काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुजरने के साथ साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम और कॉमिक्स का, अब मैं उनका मजा नहीं ले सकता था। 3रे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वे स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आइसक्रीम फ्रीजर के पास गए, उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चकमा दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ वयस्क सॉफ्ट बॉल खेल रहे थे। दूरी पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिलाया। कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, अपने कंधे उचकाए और अपने सिर को ना में एक साथ हिलाया। अच्छा, यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना शुरू कर दो। तुम अब जिंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को, हो सकता है कि मेरे दिमाग की में गर्मी बढ़ जाने से उनका फ्यूज उड़ गया हो, परंतु मन ही मन में $2 प्रति घंटे का ऑफर मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वैनिला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिनके मजे चीटियां ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस
ऑफर को मानने के लिए बेताब हो रहा था। यह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता है। असली सवाल यह था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हजारों लोगों की परीक्षा ली थी। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए लोगों का इंटरव्यू लेते थे तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे। अचानक मेरे अंदर शांति छा गई। कुछ था जो बदल गया था। ऑफर बहुत ही बड़ा था और मूर्खतापूर्ण लग रहा था। 1956 में गिनो चुने वयस्कों को $5 प्रति घंटे से ज़्यादा मिलता होगा। लालच खत्म हो गया था और इसकी जगह शांति ले ली थी। धीमे से मैं अपनी बाई तरफ खड़े माइक की तरफ मुंह मुड़ा। उसने भी मेरी तरफ देखा। मेरी आत्मा का जो हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद था वह खामोश हो चुका था। मेरा वह हिस्सा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था। मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर के हुए इस युद्ध में शांति और विश्वास जीत चुके थे। मैं जानता था कि माइक भी उसी बिंदु पर पहुंच चुका है। अच्छा, मेरे डैडी ने धीमे से कहा, ज़्यादातर लोगों की एक कीमत होती है और उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हमें कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो इसमें लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसा होने पर हम उन बढ़िया चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इस तरह हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। किस तरह का पैटर्न, मैंने पूछा। सुबह जागने काम पर जाने खर्च करने। लोगों की ज़िंदगी हमेशा डर और लालच इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसा दे भी दें तो वे इसी पैटर्न पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे। इसी पैटर्न को मैं चूहा दौड़ कहता हूँ। क्या कोई दूसरा रास्ता भी है, माइक ने पूछा। हाँ, मेरे डैडी ने धीमे से कहा, परंतु इसे बहुत कम लोग खोज पाते हैं। और यह रास्ता क्या है, माइक ने पूछा। उसी रास्ते को तुम लोग काम करते हुए और मेरे साथ सीखते हुए खोज लोगे। मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है। इस बारे में कोई संकेत तो दीजिए, माइक ने कहा। हम लोग मेहनत से काम करते करते थक चुके हैं, खासकर तब तक इससे बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो, अमीर रेडी ने कहा। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैंने कहा। मैंने कब कहा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मैं तो यह कह रहा हूँ कि सच्ची बात कह देनी चाहिए, अमीर रेडी ने जवाब दिया। किस बारे में, मैंने पूछा। इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है, अमित डैडी ने कहा। तुम्हें यह किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप से सच बोलो। आपके कहने का मतलब यह है कि इस बार पार्क में मौजूद लोग, आपके लिए काम करने वाले लोग, मिसेज मार्टिन या सब लोग ऐसा नहीं करते। मुझे ऐसा ही लगता है, अमित डैडी ने कहा। इसके बजाय उन्हें हमेशा पैसा नहीं होने का डर सताता रहता है। उस डर का सामना करने के बजाय, सोचने के बजाय, ये लोग सिर्फ प्रतिक्रिया करते रहते हैं। इस दौरान वे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं, अमीर रेडी ने अपने सिर पर उंगली रोकते हुए कहा। फिर उनके हाथ में कुछ पैसा आ जाते हैं और उनमें खुशी, इच्छा और लालच की भावना जाग जाती है, और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाय दिल से काम करने लगते हैं। तो वे दिल से यानी अपनी भावनाओं को सोचते हैं, माइक ने कहा। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा। वे इसे बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावनाओं से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है। वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज़्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम
कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के ही कारण वह नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं, पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, परंतु हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी में गुजरती है। इसलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और यह आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल को उतरने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। यह कहकर अमीर रेडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं आता था और वह कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी जो उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी। जब अमित डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी, मैंने आश्चर्य से पूछा। मुझे दूसरी भावना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा कहना ज्यादा पसंद करता हूँ। यह पूरा बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद या रोमांचक चीज की इच्छा रखें। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें सुख के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है। परंतु पैसा जो खुशी देता है वह अक्सर पल भर ही होती है। उन्हें ज़्यादा खुशी, ज़्यादा आनंद, ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता है। अमीर होने के बाद भी नहीं, माइक ने पूछा। हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं, अमीर डैडी ने कहा। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे ना होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है। इसलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज इससे भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हैं जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्हें यह इस बात का डर है कि वह अपनी सारी दौलत खो देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, वह अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गए हैं। दरअसल इनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वह अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घूमते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है, तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है, मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कसबी का एक पागल हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा। मैंने उसे किसी ने समझा कर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया होता।
अमीर रेडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को पास आने का इशारा किया। पैसे देते ही वह तत्काल चला गया। उसने पैसे ले कर लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी इच्छा किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों की में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। या तो सच्चाई को नकारना है, अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं। इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वह ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद ही असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन में डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से ना निकल जाए। नहीं, इसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलाए मान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार हो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, ना कि अपने विरोध में। आह आह, माइक ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो इस बारे में चिंता मत करो, आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वह अपने दिमाग से सोचते हैं कि सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, मैंने पूछा। क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है तो इस बात की बहुत संभावना है कि इसकी संभावनाएं फैसला कर रही हैं। इस विचार का असली कारण है पैसा ना होने का डर। परंतु अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है, मैंने कहा। बिल्कुल पड़ती है, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है, मैं समझ नहीं पाया, माइक ने कहा। अमीर डैडी ने कहा, अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो तत्काल नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए, ताकि कुछ रुपयों के सहारे उस डर को मार दिया जाए। इसके बजाय आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में इस डर पर सबसे बढ़िया इलाज नौकरी है। मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है, खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिंदगी को देखते हैं। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। परंतु मेरे डैडी हमेशा कहा करते हैं, स्कूल में पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और अच्छी नौकरी मिल जाए। मैंने हड़बड़ी में बोल ही दिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि वे ऐसा क्यों कहते हैं, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सलाह देते हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक अच्छा विचार होता है, परंतु लोगों की इस सलाह के पीछे भी डर छुपा होता है। आपका यह मतलब है कि मेरे डैडी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। हाँ, अमीर डैडी ने कहा, वे घबराए हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे। मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें प्यार करते हैं और